सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी और शुभकामनाएं। आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा दिए हुए हैं और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें इसका अपडेट जो है आ चुका है। यानी कि दोस्तों आपका रिजल्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि दोस्तों बिहार बोर्ड के ऑफिशियल जो अपडेट है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारा फेक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आज आ रहा है कल आ रहा है, तो ऐसे में आपको सही जानकारी दे देंगे कि कब तक रिजल्ट आने वाला है, ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए, तो उनको शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहां पे आ जाइएगा, यहां पे आपको तमाम जानकारी दिया हुआ है। उससे पहले हम आपको ऑफिशियल जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा जो अपडेट दिया गया है वो देख लेते हैं, फिर आपको हम दोस्तों आगे बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो है ये जी बिहार झारखंड यानी कि जी न्यूज का न्यूज है, और यहाँ पे दोस्तों इसको हम चालू करते हैं, थोड़ा सा आप इसे सुन लीजिए, फिर आगे अपडेट बताएंगे। मैट्रिक के छात्रों की उत्सुकता अब तो बढ़ गई होगी सर, इसलिए कि इंटर का परिणाम आ चुका है, उनके लिए कब तक खुशखबरी आ रही है? मैट्रिक के परीक्षाफल की तैयारी भी अंतिम चरण में है, बीच में होली का त्योहार आने के कारण कुछ दिनों के लिए तिथि आगे बढ़ाई गई है, और अब यह लक्ष्य रखा गया है कि आगामी 31 मार्च तक हर हाल में मैट्रिक का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, और इसी लक्ष्य के साथ सभी पदाधिकारी और कर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं, अतः 31 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्षमता परीक्षा का कुछ तो जैसा कि दोस्तों आपने ये अभी न्यूज क्लिप देखा है, तो ये दोस्तों न्यूज जो है जब रिजल्ट इंटर का रिजल्ट आया था तो उस समय जो है जी न्यूज के द्वारा पूछा गया था, तो यहाँ पे आनंद किशोर जी के द्वारा जो है बताया गया कि यहाँ पे सारी तैयारी कर लिया गया है मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट का, और ये रिजल्ट जो है आपका जो है जल्द ही यानी कि 31 मार्च तक आपका रिजल्ट आने जा रहा है। दोस्तों 31 मार्च से हो सकता है एक दो दिन आगे हो जाए या तो पीछे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तैयारी पूरी कर ली गई है। और जैसा कि आपको पता होगा बिहार बोर्ड पिछले 6 साल से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल सकते हैं एक तरीके से बना रही है, जिसमें आपको सबसे पहले जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ही रिजल्ट कम समय में जारी किया जाता है, और इसके लिए बिहार बोर्ड काफ़ी चर्चा में रहती है पूरे देश में, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में दोस्तों इनका रिजल्ट आता है। तो आप सभी का रिजल्ट जो है 31 मार्च तक आ जाएगा, और उसके बाद दोस्तों एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो भी दोस्तों अप्रैल में शुरू होने जा रहा है, जैसा कि दोस्तों ये पहले ही एग्जाम कैलेंडर में क्लियर कर दिया गया था। तो आप सभी का अप्रैल में जो है इंटर का भी एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब अपडेट है, हम आपको इंटर स्पेशलिस्ट एक वीडियो बनाएंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपडेट आपको दे सके। फिलहाल आपको लिए यही अपडेट था कि 31 मार्च तक रिजल्ट आएगा, और आप लोग तैयारी कर लीजिए आप अपना रिजल्ट के बाद एडमिशन के लिए, ताकि आप जो है बेहतर आप अपना जो इंटर में एडमिशन कराएंगे डॉक्यूमेंट वगैरह का तैयारी कर लीजिए, सारा जो है तैयारी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने आपको सही और सटीक जानकारी दे दिया, फालतू में इधर उधर का आप जो है वीडियो मत देखिए, टाइम मत गवाइए, जैसे फिर आपको ऑफिशियली ट्वीट आ जाएगा ट्विटर पे बिहार बोर्ड के द्वारा जिस दिन आपको जिस समय रिजल्ट आएगा, तो आप लोग वहां से भी जानकारी ले पाएंगे। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।